हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, सर्दियों में अगर आपके हाथों की उंगलियां या फिर हथेलियां फट जाती हैं, यानी कि क्रैक हो जाती है स्किन, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, या फिर स्किन पीलिंग यानी कि स्किन के ऊपर से स्किन उतरने लगती है, स्किन फटने लगती है, स्किन कटने लगती है, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है सर्दियों में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। बहुत ही सफल इलाज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सफल है। इसको यूज़ करने के बाद आपको किसी मेडिसिन लेने की या फिर किसी भी और ट्रीटमेंट को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और बता दूँ, मैं इसमें आपको इलाज बताऊँगी कि आपने कौन सा इलाज करना है, सिर्फ एक ही इलाज बता रही हूँ। लेकिन इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि जो स्किन फट रही है वो भी ठीक हो जाए, क्रैक हो रही है यानी कि कट रही है वो भी ठीक हो जाए, और स्किन सुंदर बन जाए यानी कि ग्लोइंग हाथ हो जाए, उसके लिए भी मैं आपको इसमें एक फार्मूला बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर स्किन फट रही है या फिर कट रही है, जैसे आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ऐसे कट लग जाते हैं, जैसे किसी अपने चाकू से कोई काम कर रहे थे उस टाइप से कट लग रहे हैं सर्दियों में, या स्किन उतर रही है इस तरह से। जब स्किन ऐसे हो जाती है तब आप लैपटॉप पे काम करते हैं, फ़ोन पे काम करते हैं, या फिर सर्फ में हाथ डालते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, किसी भी काम को करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसे लगता है कि उन फिंगर्स पर स्वेलिंग आ चुकी है, जैसे कोई पिंपल हो जाता है, दर्द करता है, उस तरह से फिंगर्स पर दर्द होता है। तो आपने क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी में अपने हाथों को 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप सॉफ्ट कपड़े से उसे साफ़ कर लीजिए अपने हाथों को, फिर आप अपने हाथों को ड्राई कर लीजिए। इतना करने के बाद रात को सोते टाइम आपने ये करना है, और वैसलीन आती है वो आप अपने हाथों पर लगा लीजिए। ये अगर आप एक दिन कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 2-3 दिन करने के बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर स्किन पर ग्लो भी लाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है। तो इसके लिए आप एक क्रीम बनाकर रख सकते हैं, एक जेल बनाकर रख सकते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, क्वांटिटी बता देती हूँ। आपने 1 चम्मच वैसलीन लेनी है, जो आपकी स्किन फट रही है, स्किन पील हो रही है, स्किन कट रही है, उसको ठीक करने का काम करेगी। 1 चम्मच आपने वैसलीन लेनी है, 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन लेनी है। नॉर्मल ग्लिसरीन आती है 20-25 रुपए की आ जाती है। इसके अलावा अगर आपको कैस्ट्रोल ऑयल मिल सके या फिर आलमंड ऑयल, बादाम, रोगन, हेयर ऑयल नहीं लेना, वो आपने 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच ही आपने ग्लिसरीन लेनी है, और 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल लेना है। इन चारों का 1-1 चम्मच आपने किसी भी डब्बी में मिक्स करके रख लेना है। रात के टाइम अपने हाथों को आप गुनगुने पानी में रखिए 5 से 10 मिनट, उसके बाद बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद उसे ड्राई कीजिए हाथों को, फिर इस क्रीम को अपने हाथों पर अप्लाई कर लीजिए और सुबह नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इसी तरीके से आपने इस प्रोसीजर को करना है, इससे स्किन ग्लोइंग भी बन जाएगी। अगर आप अकेली वैसलीन का यूज़ करेंगे तो जो क्रैक हो रही है और जो स्किन फट रही है, कट रही है, वो ठीक हो जाएगी। बहुत खास इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।